गुड आफ्टरनून। पार्ट पहला सैर, पेज नंबर टू। जिनके पास किताब है वो निकालो। यहाँ बस स्थानक का चित्र दिया गया है। क्या है ये? बस स्थानक। अब इसके बारे में चित्र देख के आपको इसका विवरण करना है, मतलब इसमें क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अब देखो, यह एक बस स्थानक का दृश्य है। कौन सा है? बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में है। ये जो बस स्थानक होता है वो गांव के जैसे सब लोगों को वहां जाने के लिए आसान होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, इसलिए वो उसी हिसाब से गांव में बस स्थानक की योजना की जाती है। जहां बहुत बड़ी खुली जगह होती है वहां बस स्थानक होता है। अभी हम यहाँ जो चित्र देख रहे हैं उसमें बस स्थानक में फलाट क्रमांक एक, फलाट क्रमांक दो, फलाट क्रमांक तीन, मतलब प्लेटफॉर्म जहां कहीं गांव से बस आके रुकती है या वहां से बस किसी गांव के लिए निकलती है। सामने एक बस खड़ी है, दो बस है, दूर एक और बस दिख रही है, ठीक है। अब लोगों को बैठने के लिए भी वहां जगह बनाई है, क्योंकि जब तक बस नहीं आती आपको कहीं कौन से गांव जाना है, अगर वो गांव की बस नहीं लगी है तो आप जो वेट करते हैं वहां, तो बैठने के लिए वहां जगह बनाई है। दूसरी ओर स्वच्छता गृह भी दिख रहा है आपको। ये जो प्रवासी वहां आते हैं, यात्री आते हैं, उनको उनकी सुविधा के लिए स्वच्छता गृह भी बनाया गया है। पानी, पीने के पानी की भी सुविधा वहां की गई है। आपको देख आप ये जो चित्र देख रहे हैं उसमें आपको दिखता होगा, वहां नल लगाया है, वहां लिखा है पीने का पानी। अब ये जो यात्री है उसमें उनके बारे में हम विवरण करेंगे। दो बस खड़ी है, कुछ यात्री बस में चढ़ रहे हैं, है ना, और अपना सामान कहाँ रखते हैं बस में? छोटी बैग रही, छोटी अटैची रही तो हम साथ में लेके बैठते हैं, लेकिन बड़ा जो सामान होता है वो बस के छत पर रख देते हैं। कुछ यात्री बस में चढ़ रहे हैं, कुछ यात्री यात्रा करके वापस आए हैं और अपनी अपना सामान लेके बस स्थानक के बाहर जा रहे हैं। एक बस के ऊपर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस ये राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके सुविधा के लिए होते हैं। हम एक बार सफर करेंगे और उसको खराब करके बाद में कभी नहीं जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बार बार हम लोगों को सफर करने के लिए बस का इस्तेमाल करना पड़ता है। बस पर जो सूचना लगी है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसके ये आप जानते हो जो भी राष्ट्रीय संपत्ति होती है उसका रक्षण सब लोगों को ही करना पड़ता है। हम लोग खराब कर देंगे कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी अच्छे से रक्षा करें। कुछ यात्री देखो सामान लेके अब वहां जो खाली जगह है बैठने की वहां बैठ रहे हैं, उनकी बस अभी आने की है। एक पूरा पूरी फैमिली है वो सामान लेके अपनी बस की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। एक अखबार बेचने वाला भी यहाँ है, वो वहां अखबार बेच रहा है। बस स्थानक पर बहुत सारी खाने की चीजें भी बेचने के लिए लोग आते हैं। शीतल पेय बेच रहा है एक आदमी, वहां शीतल पेय बेच रहा है। पॉपकॉर्न के पैकेट्स होते हैं वो भी लोग बेचते हैं।
बस में किसी किसी को बहुत तकलीफ होती है तो उनके लिए आंवला सुपारी आती है, कुछ गोलियां आती है, टॉफीज, वो सब लोग वहां बेचते हैं। तो ये बस स्थानक आपको सबको पता है। अब देखो इसके बारे में कुछ सवाल मैं आपको पूछ रही हूं जिसका आप जवाब दे दो। देख के, ये जो बस स्थानक का चित्र है उसको देख के वो सवाल का जवाब देना है। बस स्थानक में कितनी बस खड़ी है? अब आप गिन के बता सकते हो कितनी बस खड़ी है। ठीक है, बसें जहां खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? जहां बस खड़ी रहती है कैसे समझेगा यात्रियों को कि अपनी बस, ये गांव की बस कहाँ गई है? तो आपने बस स्थानक देखा होगा, वहां जब आप जाते हैं प्रवेश द्वार से अंदर तो वहां फलाट क्रमांक लिखते हो, और वो फलाट क्रमांक के बाद अब यहाँ नहीं दिया है लेकिन आप गए होंगे बस स्थानक पर तो आपने देखा होगा फलाट क्रमांक 1, उसके बाजू में गांव के नाम लिखे होते हैं। मतलब जो यात्री है वो देख लेता है कि फलाट में मुझे जिस गांव में जाना है वो गांव की बस कौन से फलाट पर लगेगी। फिर वो पढ़ के समझ जाता है यार 4 पे आने वाली है, 3 पे आने वाली है, 2 पे आने वाली है, और वो फ्लैट के नीचे मतलब वो फ्लैट पे जो जगह बनाई रहती है, बेंचेस वगैरह डाले जाते हैं, वहां वो वेट कर सकते हैं, बस की राह देख सकते हैं। तो ये फ्लैट क्रमांक उसके ऊपर लिखे होते हैं, नहीं तो वो तो इंसान घूमता रहेगा कहाँ आएगी बस, जो बस आएगी उसकी नंबर प्लेट जो रहती है नाम लिखे रहते हैं सामने, तो वो हर एक बस के देखना फिर ढूंढना, उसमें से कहीं इधर उधर हो गया तो बस निकल जाएगी। तो ये लोगों की सुविधा के लिए फ्लैट क्रमांक भी लिखे होते हैं और वो फ्लैट पर कौन से गांव की बस आ रही है और वहां से कौन सी बस जाएगी तो वो वहां लिखा होता है, ये यात्रियों की सुविधा के लिए होता है। अब बच्चे जो होते हैं वो बस स्थानक पे चुपचाप तो बैठते नहीं, वो कुछ ना कुछ चीजें जो बेचने आते हैं, और वो बेचने वालों को भी पता होता है कि बच्चे जल्दी से मांग लेते हैं, कोई चीज देखी कि वो मांग लेते हैं, तो वो जहाँ बच्चे होते हैं वहां जा जाके चिल्लाते हैं, जैसे पॉपकॉर्न है, गोलियां है, सब मिलता है बस स्थानक पर। आपको कुछ किताबें, जनरल नॉलेज की किताबें तो हमेशा बस में लोग बेचते हैं, तो ये सब बस स्थानक पर होता है जहां बस रुकती है। बस से आपको कहीं गांव जाना है तो आपको बस स्थानक पर ही रुकना पड़ेगा। अब यहाँ जो दूसरा चित्र है वही पेज पे नीचे वो है बंदरगाह। जैसे बस जहाँ खड़ी रहती है उसको बोलते हैं बस स्थानक, वैसे ही जहाज जहाँ रुकते हैं, नाव जहाँ रुकती है उसको बोलते हैं बंदरगाह, मतलब धक्का या वहां स्टॉप, जहां रुकते हैं जहाज उसको बोलते हैं बंदरगाह। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है, समुद्र मार्ग से जो भी जहाज में बैठ के यात्री आते हैं, मालवाहू जहाज भी होते हैं जिसमें बहुत सारा माल पानी जल मार्ग से आता है, और फिर वो रुकने के लिए जगह चाहिए, वहां से वो जो माल आता है मालवाहू जहाज से या जो भी यात्री आते हैं उनको जाने के लिए या उतरने के लिए वहां से उनको कोई भी जहां भी जाना है वो जा सकते हैं, तो वो उतरने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको बोलते हैं बंदरगाह। बस से उतर, बस जहाँ खड़ी रहती है उसको बस स्थानक, रेलवे रेलवे स्थानक है ना, तो बंदरगाह जहाँ पानी से जल मार्ग से जो भी जहाजे नाव वगैरह आती है या आप पानी में सैर करते हो। अभी यहाँ नागपुर के पास में खिंडसी में हम जाते हैं तो नाव से या बोट से जाते हैं, तो वहाँ वो फिर एक चक्कर दो चक्कर लगा के आते हैं, तो वहां भी पैर से चलाने वाली नाव होती है, और जो समुन्दर में मच्छीमार होते हैं वो क्या करते हैं बोट, उनकी भी मशीन से भी नाव या बोट चलती है, और वो पतवार से भी
नाव को चलाते। पतवार पता है ना आपको, लकड़ी, बड़ी वाली लकड़ी रहती है और उसको एक राउंड शेप में या ऐसे पत्ते के शेप में लकड़ी का हिस्सा रहता है जिससे वो पानी पीछे ढकेलते हैं और वो उसी से नाव आगे आगे जाती है। कुछ नाव को शीड होते हैं, आपके यहाँ पिक्चर में चित्र में दिखाया है, ये देखो ये शीड है, ये जहां हवा जैसे भी होती है वो शीड से उसको अपनी जहां आपको जाना है वो नाव को आप ले जा सकते हो। यहाँ क्या दिखाया है, एक बड़ा सा जहाज आया है वो, और ये जो जहाज रात में वगैरह सफर करते हैं तो उनको रास्ता दिखाने के लिए ये यहाँ एक बड़ा सा दीप स्तंभ है जहां से वो लाइट से उनको राह दिखाते हैं ताकि वो इतने बड़े समुंदर में, वहां तो स्ट्रीट लाइट वगैरह थोड़ी होते, तो उनको राह मिलने के लिए ये दीप स्तंभ होता है। अब ये पानी जो है उसको खराब मत करो, मतलब पानी में कचरा मत डालो, ऐसे कुछ फलक यहाँ लगाए हैं जो लोगों को पढ़ने के लिए, जिससे क्या करें लोग कि आप साफ सुथरा जल रखना चाहिए। ठीक है, आपने कभी नाव से या इससे सफर किया होगा तो आपको पता होगा कि जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं, उसमें लोग जो यात्री सफर करते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा होती है, वहाँ सब होता है। बहुत बड़े जहाज में होटल से लेके सब चीजें वो जहाज पे, जो एक देश से दूसरे देश में रहते हैं उनको बहुत दिन तक वहाँ रहना पड़ता है, तो पूरी उनकी सुविधा के सब साधन वहाँ होते हैं। और छोटे छोटे हम जैसे एक दो राउंड लगाते हैं फिर भी वो पानी में मतलब वो जो जैकेट पहनाते हैं ताकि आप गलती से पानी में गिर जाए तो आपको मतलब आप डूबे ना, इसलिए वो जैकेट पहनाते हैं। तो ऐसे ये जो जहाज रुकते हैं उसको बोलते हैं बंदरगाह। अब बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको गिन के आपको उत्तर उसका लिखना है। बंदरगाह में कौन कौन सी नावे हैं, कौन कौन सी नावे हैं उसको देखो, पतवार से चलाने वाली भी नाव वहां दिख रही है ना। यहाँ ये यह है शीड वाला, ये नाव है, और मशीन बोट भी है जो मशीन से चलती है, कुछ पैडल लगा के भी चलाते हैं, वो भी बोट यहाँ खड़ी है, इससे लोग देखो आ रहे हैं, उसमें चक्कर लगा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। बच्चे, उनको बड़ा अच्छा लगता है ना बच्चों को सफर करना, या फिर उसको समुन्द्र में छोटी नाव में बैठ के अपने पैर से चलाना या पतवार से चलाना, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वहां नाव खड़ी है। दीप स्तंभ या प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है, ये जो मैंने बोला कि दीप स्तंभ है मतलब प्रकाश स्तंभ है, वो लाइट से दिखता है, तो वो क्या काम करता है, किस लिए लगाया जाता है, ताकि दूर से रात में जो जहाज आते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए वो दीप स्तंभ काम करता है। अब देखो यहाँ है हवाई अड्डा, तीसरा है हवाई अड्डा। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दिखता है, आप गए होंगे है ना, तो आपने देखा होगा, नहीं भी गए होंगे, किसी को छोड़ने गए होंगे, किसी को लाने गए होंगे, तो एयरपोर्ट आपने देखा होगा, उसको हिंदी में बोलते हैं हवाई अड्डा। ये जो दृश्य है वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अलग अलग देशों से वहां ये जो विमान है वो आते हैं, इसमें भी लोगों को लाने के लिए देखो लोग आए, जिस कार से आए उसका पार्किंग भी है, वहां एक पुलिस भी है। हाँ, हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो वहां सब देश के ऐसे फ्लैग भी लगाए हुए हैं, वहां कुछ सूचना फलक भी है, धूम्रपान मना है हवाई अड्डे पे, और लावारिस वस्तुओं को हाथ मत लगाइए, ऐसे सूचना फलक भी वहां लगाई हुए है। विमान
एक लैंड कर रहा है, दिख रहा है आपको, वहां नीचे उतर रहा है, क्या बोलते हैं वहां उसको, हवाई अड्डे पे जो विमान वहां लैंड करता है, तो धावपट्टी है ना, तो वहां वो टच होता है, फिर वो उसका स्पीड कम होने के बाद वहां रुकता है। वहां गाड़ियां रहती है जिसमें जो यात्री उतरते हैं उनको बाहर लाने के लिए, और ये अपना एम्बुलेंस भी रहती है ना, तो ये सब आपको ये चित्र में दिख रहा है। और नीचे है रेलवे स्थानक, लास्ट वाला क्या है, रेलवे स्थानक। अब रेलवे स्थानक, आपने रेलवे से सफर किया होगा, रेलवे स्थानक आप सबने देखा है, वहां टिकट घर होता है, आरक्षण होता है, हम रिजर्वेशन करते हैं ना टिकट को पहले से ही, टिकट चेकर होता है, टीसी होता है जो आपका टिकट चेक करता है। यहाँ देखो कुछ लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग गांव से आए हैं, कुछ अपना सामान लेके जा रहे हैं, वो कुछ लोग टिकट खरीद रहे हैं। तो ये सब आपने जो चित्र में देखना है उसको एक एक छोटे छोटे वाक्य में आपको लिखना है ये चित्रों के बारे में। अब ये चारों चित्र आपने देख लिए, इसके हम चार चार पांच पांच मैं क्वेश्चन लिख के देती हूँ, तो फिर आपको लिखना है। कॉपी आपने बनाई होगी, इसके पहले वाला मैंने लिख के दिया था। अब ये पिक्चर तो देख लिए, इसके बारे में जो भी सवाल मैं लिखूंगी, लिख के दूंगी, वो आपको इसके बाद में लिखना है, जैसे हमने मेला के लिखे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको छोटे छोटे एक वाक्य में जिसके जवाब होते हैं ऐसे सवाल लिख के दूंगी। ठीक है, चलो आप ये पिक्चर देख के कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, छोटे छोटे वाक्य के आपने इसमें क्या देखा है। ठीक है, बाय।